बीजेपी में मिली। जो लोग 75 पार की बात किया करते थे, मोदी के 4 दौरे थे, 9 दौरे करवा दिए नहीं करवाए। और मेयर तो अभी हेलीकॉप्टर में आ रहा था, कान में सुन रहा था, कहते हैं सन्नी देओल आ गया, हेमा मालिनी आ गई, अमित शाह आ गया, योगी आदित्यनाथ आ गया, राजनाथ सिंह जी आ गए, वीके सिंह जी आ गए। साथियों, हमारे कने कोई स्टार प्रचारक नहीं है, हमारा स्टार प्रचारक अगर है तो डाटे मारी भी मारी ताई है और खंड के पहनावा ताऊ है। आपने इस चुनाव को संभालना है। साथियों, मैं तो एक वादा आपसे करता हूं कि राज बनने पर अगर पहला काम, जैसे चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत करी थी, अगर हम करेंगे तो प्रदेश के अंदर युवा को ताकत देंगे। आज रोजगार की बात करें, 80 एसडीओ इलेक्ट्रिकल की भर्ती निकली, हरियाणा के कितने लगाए खट्टर ने? 2। 78 बाहर के लगाए। साथियों, ये नाइंसाफी नहीं चलेगी। मारा बीटेक करा हुआ बच्चा तो लगे 84 और गुजरात का बीटेक करा हुआ एसडीओ इलेक्ट्रिकल, ये भेदभाव नहीं चलेगा। इसलिए आपकी सरकार बनने पर पहला कानून प्रदेश में पारित होगा तो हर रोजगार के अंदर हमारे युवा साथियों के लिए, चाहे वो प्राइवेट हो सरकारी हो, 75% रोजगार में हिस्सेदारी हरियाणा के बालकों की हम लाने का काम करेंगे। वही साथियों, मैं तो आपको एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आज हमें प्रदेश के अंदर बुजुर्गों का सम्मान वापस लौटाना है। मैं कई बार आपके हाथ दौरे कर कर गया। पिछली बार झोजू से जब जा रहा था तो एक बूढ़ी औरत ने हाथ पकड़ कर कहा कि बेटा 2 महीने हो गए पेंशन नहीं आई। साथियों, 2-2 महीने तक बूढ़ों को पेंशन का इंतजार करना पड़ता है और फिर भी 80-80 साल के बुजुर्ग को बैंक में जाकर लाइन में खड़े होकर अपने पैसे लेने पड़ते हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। श्रीमती मैना चौटाला जी का एक हमारे मेयर को एक बात कही भी थी कि इन बुजुर्गों का सम्मान दोबारा लौटाया जाए, महिलाओं का सम्मान बढ़ाया जाए। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि प्रदेश के अंदर आपकी सरकार बनने पर, जहां सरकारी कर्मचारी 58 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, एक बूढ़े बुढ़िया को आज 60 साल की उम्र में पेंशन मिलती है, तो फिर 60 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। हमारी ताई को तो हम देंगे 55 साल में, ताऊ को देंगे 58 साल में, और बैंक के धक्के नहीं कटवाऊंगा। कोई सोचे खट्टर साहब की तरह, हुड्डा साहब की तरह बैंक के धक्के कटवाने का काम करूंगा। थारा छोरा हूं, पटवारी ने भेजूंगा लिफाफा दे के घर में पेंशन दे काम में, और पटवारी भी लिफाफे में एक नोट नहीं लाएगा, 2000 के 2, 500 के 2 और एक बैंगनी रंग का 100 का 5100 लेकर आएगा। और 5100 हमारे ताऊ के आएंगे, 5100 हमारी ताई के आएंगे, 10200 महीने के बादशाह गलेगा नहीं गलेगा। साथियों, वही आज जहां बात कर्जे की है, बहुत ज्यादा दिन प्रतिदिन कमेरे वर्ग के ऊपर कर्जा बढ़ता जा रहा है, ये निर्णय आपकी पार्टी ने लिया है कि साथियों, आज हरियाणा प्रदेश के अंदर चाहे वो छोटा दुकानदार हो, कोई दूधिया हो, रेड़ी वाला हो, चाहे वो किसान हो, सबका कमेरे वर्ग का कर्जा सरकारी तौर पर जितना भी है उसको माफ करने का काम आपकी सरकार करेगी। वही पीने के पानी की स्वच्छ व्यवस्था बनाई जाए, उसके लिए हर गांव में, शहर के हर वार्ड में बड़े आरओ प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे घर घर तक स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाने का हम काम करें। कैंसर है, काला पीलिया जैसी बीमारियां हैं, घर बर्बाद कर देती है, लोगों की जमीनें बेचनी पड़ती है क्योंकि इनका इलाज महंगा है। साथियों, आपका राज बनेगा, चाहे मेदांता जाके इलाज करा लियो, चाहे सवाई मानसिंह जयपुर जाके इलाज करा लियो, आपका राज बनने पर किसी भी कमेरे वर्ग के आदमी को, हरियाणा प्रदेश का जो नागरिक है, पूरी तौर पर मुफ्त इलाज की योजना बनाने का काम आपकी पार्टी करेगी। वही दादरी भिवाणी के अंदर डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कर्मचारी बहुत भर्ती किए थे, आज भी लोग याद करते, 17000 लगाए थे, चाहे रोडवेज में लगाए हो, चाहे पुलिस में लगाए हो, उनकी तो पुरानी पेंशन है, मगर हुड्डा साहब ने तो कानून ऐसा बनाया कि नए कर्मचारियों की तो पेंशन की योजना भी आजादी अधूरी है। इसलिए हमने निर्णय लिया है, जहां कर्मचारियों पे खट्टर साहब ने लट बरसाए, ये हमारा वादा है, पंजाब के समान वेतन भी देंगे और कर्मचारी साथियों को
पुरानी पेंशन स्कीम का फायदा भी प्रदेश के अंदर पूरी तौर पर देने का काम करेंगे। और मैं ये एचआईएसएफ वाले भाई हैं, कई बारी बारी कहते हैं मारा के होगा, चाहे एचआईएसएफ वाले हो चाहे आईआरबी वाले हो, तमाम साथियों को कहूंगा कि बेफिक्र रहना, राज बना दो, थारे ठाट करने की जिम्मेवारी हमारी होगी। वही साथियों, मैं तो आपको विनती प्रार्थना इतनी करने आया हूं कि आज ये चुनाव इस प्रदेश के अंदर पूरी बढ़ोतरी पर है, सिर्फ एक डेढ़ घंटा प्रचार का बाकी है और इस प्रचार के समय के अंदर जिम्मेवारियां आपकी ज्यादा है। आज ये मोटा भाई छोटा भाई आकर प्रदेश को जो भ्रमित कर रहे हैं, आज आपके हाथ में राज आ रहा है। और कई पत्रकार साथी कहते हैं कि जी गठबंधन किससे करोगे, मैं कहता हूं कि ना तो ताले वाली जगह जहां चाबी डलती है हाथ घुस सकता, ना कमल घुस सकता। अगर घुसेगा ताला विधानसभा का खोलने के लिए तो चाबी घुसेगी। और साथियों, चंडीगढ़ विधानसभा का ताला तो चाबी खोलेगी, थोड़ा सा जोटा मार दो, जैसे अशोक जी कह रहे थे भाई खट्टर साहब की तो खटारा रोडवेज की बस थी, 75 सवारी लेकर चली थी और धीरे 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 30 पर आकर रुकने को होगी। और मेरे ख्याल से थोड़ा टेढ़ा जोटा मार दोगे तो 75 पार नहीं, राजस्थान साथ लगता है, पुनिया जी बैठे इनके पास बॉर्डर पार कराकर छोड़ने का हम काम करेंगे। और भाई अपनी तो भाई 11 महीने पुरानी नई वॉल्वो की रोडवेज है, 53 सीटर है, हरियाणा भर का दौरा कराया, जहां जहां जा रहा हो वहां वहां लोगों का प्यार सफलता की दिख रही है। मैं तो दादरी और बाजरा की सीट पर लिख के ले आया, अब आपकी जिम्मेवारी है दो नाना विधायक बनाकर उस सीट पर बिठाने का काम करोगे, बिठा दोगे, देख लो दोनों उठा के बताओ बिठा दोगे। तो मेरी यही विनती है, अपील है आपसे कि अब अगले 48 घंटे एक 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 व्यक्ति से संपर्क साध कर सिर्फ चाबी का प्रचार करो। और लोग कई बूढ़े मेरे को पकड़ कर कह देते हैं भाई ये मशीन में सेटिंग कर ले बीजेपी वाले, ताऊ मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा, घबराओ मत, 21 तारीख में चाबी वाला बटन इतनी इतना इतना दबा दो कि 24 तारीख में जब थारी मशीन टी 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 करे तो बीजेपी 75 पार नहीं जमुना पार छोड़ के आने का काम हरियाणा की जनता करेगी। मैं तो यही अपील और विनती करने आपके बीच में आया था। और एक चीज बोलनी भूल गया, ये एटा प्रभारी है अनिल जैन, अमित शाह ने ठावे घूमे पूरे प्रदेश में, उचाड़ा आके कह के गया कि दुष्यंत तो बांदर है आग लगाता घूम रहा है। साथियों, मैं तो पार्लियामेंट का मेंबर रहा, प्रदेश के कमेरे किसान की लड़ाई लड़ी, और ट्रैक्टर पे जब इनकी सरकार ने ट्रक की श्रेणी लगाने का काम किया तो एक महीने बड़ा नहीं बड़ा पार्लियामेंट में ट्रैक्टर, उसको गाड़ा बना के लाने का काम किया। साथियों, एक बात जरूर धन्यवाद करूंगा अनिल जैन का कि उसने मेरे को बांदर कह दिया, क्योंकि आज जिस तरह ये पेड़ पे छोरे खड़े हैं फिर ये वानर सेना तैयार है, और वानर सेना अब एक 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 पत्थर डालकर राम सेतु बना रही है। अनिल जैन जी तैयारी कर लो, आपकी लंका को आग भी लगाएंगे और प्रदेश में राम राज स्थापित कर अपनी सरकार भी बनाने का काम करेंगे। तो मैं तो यही आग्रह करूंगा एक एक साथी से, जैसे राम सेतु ने बनाते वक्त चाहे गलहरी हो पक्षी हो बंदर हो एक एक ने काम किया था, इस तरीके से अब आपकी जिम्मेवारी है, जिससे पत्थर उठाया जाए पत्थर उठा लो, माटी उठाई जाए माटी उठा लो, जिससे झाड़ी का फूस उठाया जाए फूस उठा लो, और एक 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 वोट की ताकत बना के पेटी में चाबी वाला बटन दबाकर श्रीमती नैना चौटाला जी को और सतपाल सांगवान जी को विधायक बनाने का काम करो। मैं तो यही विनती प्रार्थना आपके बीच करने आया था। आपने दादरी में आने पर जो प्यार मान सम्मान दिया उसके लिए आपका मैं आभारी हूं। मैं यही आग्रह करूंगा कि चौधरी देवीराज जी की सोच और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के संघर्ष ने आज इस भिवाणी को यह स्वरूप दिया है, अब आपकी जिम्मेवारी है इस स्वरूप को ऐतिहासिक जीत में बदलने की। और मेरे साथ एक बार नारे लगा दो, सुनने में मोदी रेवाड़ी से सिरसा जा रहा है, हेलीकॉप्टर में नारे सुनने चाहिए, ये जो भारत माता की जय बोलते हैं हम तो अंग्रेजों से लड़ने वाला नारा लगाने का काम करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, दोनों हाथ ठा दो ये टेंट में हिलना चाहिए, इनकलाब जिंदाबाद।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद।